और एक बार फिर रुक बात करेंगे बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के ही हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने बेंगलुरु में 14वें एयरो इंडिया 2023 के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एयरो इंडिया हमारे रक्षा उद्योग के प्रदर्शन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। उन्होंने साथ ही कहा कि सैन्य उपकरणों में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पर बल दिया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने LCH प्रचंड का सॉटी लिया है, किस तरह का उनका अनुभव है, इस पर बात करते हैं। सर, LCH प्रचंड की आपने सॉटी लिया है, किस तरह का हम लोग? नहीं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैंने बताया पहले भी, जो एक्सपीरियंस, जो हम कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उसके स्वरूप में पूरी तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन और पूरा भरोसा है कि दिस विल मीट आर फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रिक्वायरमेंट्स। एयरो इंडिया को आप भारतीय सेना के लिहाज से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या क्या साजो सामान है जिनकी तैयारी के लिए भारतीय सेना इसकी तरफ देख रही है? मैं ये कहूँगा कि इस समय एयरो इंडिया की जो थीम है रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस एयरो इंडिया के दौरान जितनी भी हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है वो सही अर्थ में हम शोकेस कर पा रहे हैं। रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें ट्रेडिशनल वॉर का सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है, फ्यूचर की नीड से आप कैसे देखते हैं, कैसे भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है? देखिए, कुछ एक अभी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इसके फलस्वरूप हमारे लिए कई इम्पोर्टेंट लेसन उभर कर आए हैं, और जिसमें से एक मुद्दा जो अहम है मुझे लगता है वो है किस तरह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज या जो नीश टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह से वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के क्षेत्र में उभर कर आ रही है। दीदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे आर्मी चीफ, जिनका मानना है कि भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है, और खासतौर पर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिहाज से जो तकनीकें बदली हैं भारतीय सेना, उसके लिहाज से भी अपने आप को तैयार कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ सुधीर यादव, DD News बैंगलोर।